अच्छे से पेश आओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये शो टाइम है, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सुंदर है। रुको, अलार्म। क्या मैं करूँगी, ये मेरा है, मैंने बहुत समय से इंतजार किया है, अब मैं इसे मजे से खाऊंगी। बहुत अच्छा है। वाओ, इस आर्ट को देखो, तुम क्या कर रही हो, इसे छोड़ दो। रुक जाओ, ये अच्छा नहीं है। तुम और तुम अब बड़ी मुसीबत में हो, मैं समझा सकती हूँ। स्वादिष्ट स्नैक, मुझे ये पसंद है, कोई भी इस मोमेंट को खराब नहीं कर सकता। हम कहाँ हैं? तुम कौन हो? ये सही नहीं है। अब ठीक है, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। फिर अब समय है आर्ट चैलेंज का, ये बहुत मजेदार होने वाला है। ये तुम्हारा पहला चैलेंज है, इस प्यारे छोटे दोस्त को बनाओ, ये बहुत प्यारा है। हाँ, ये मुश्किल होने वाला है, मेरे लिए नहीं, मेरे पास ये छोटा बनी है, ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफी है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बहुत अजीब है, तुम्हें बनी पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, तुम जल्द ही बेस्टीज बन जाओगे। मैं अपनी ड्राइंग शुरू करती हूँ, मैं बॉडी से शुरुआत करूंगी, इसकी फ्लफी टेल बनाऊंगी। ये बनी भूखा होने वाला है, तो मैं इसे एक क्रंची कैरेट दूंगी। मेरी आउटलाइन तैयार है, अब समय है इसे कलर करने का। मैं कैरेट के लिए ऑरेंज इस्तेमाल करूंगी, ये बढ़िया है। अब मैं फेस ड्रॉ करूंगी और इसकी दो प्यारी आंखें होंगी और एक हैप्पी स्माइल, कानों को नहीं भूल सकते। वाओ, जरा इसे देखो, तुम्हें कैसा लगा? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओ जैक्स, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। रुको, उसने खत्म भी कर दिया, मैं उसे दिखाती हूँ, मैं अब तक का सबसे बढ़िया बनी बनाऊंगी, बस देखते जाओ और जैक्स मेरा मॉडल होगा। पर ये कोई आम ड्राइंग नहीं होगी, मैंने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है। मैं बेसिक स्केच से शुरू करूंगी, मैं उसे एक अच्छी बड़ी स्माइल दूंगी, तुम जैक्स प्रोसेस को बोल सकते हो। उसके बाद मैं इसके कान बनाऊंगी, उसके बाद मैं लाइंस को ड्रॉ करूंगी। चलो थोड़े कलर करें, मुझे ये ब्लू पसंद है। उसके बाद मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूंगी, मुझे इसकी ये साइड फिल करनी है, मुझे इसे अच्छे से कवर करना है। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद मैं व्हाइट इंक का इस्तेमाल करूंगी, ये बहुत ही शानदार होने वाला है, मुझे बस लाइन के साथ मैच करना है, बिल्कुल इस तरह। उसके बाद इसे फिल करूंगी, मैं इसे आराम से करूंगी। चलो यहाँ पर ग्रीन का इस्तेमाल करें, मैं आउटलाइन को फॉलो करूंगी, मैं ऐसा व्हाइट इंक के दूसरी साइड भी करूंगी, ये सबको बढ़िया लगने वाला है। वो जैसा मैंने सोचा था, ये उससे भी बढ़िया है, ये तुमने किया, मैंने उसे कम समझा था। अब जज करने का समय है, तुम दोनों जीत गयी। वो अगले चैलेंज के लिए तैयार हो? हाँ जरूर, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। क्या कहा? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ करता हूँ, मुझे लगा समझ आ जाएगा, शायद इससे मदद मिले। मेरी प्यारी आंखें बनाओ, समझ गए? हाँ, तो तुम्हारा ये मतलब था, इतना तो मुझे भी समझ आ गया था। मेरा मेकअप खत्म हो गया, अब बस एक और चीज बची है। मुझे इस लिपस्टिक का शेड पसंद है, ये बढ़िया है। चैलेंज के बारे में क्या? हमें ड्रॉ करना होगा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तुमने पेपर को वेस्ट कर दिया, या क्या मैंने? मेरे पास आइडिया है, मुझे और किसेस ऐड करनी है, ये मजेदार था। अब मैं लैशेस लगाऊंगी, मैं बीच में एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, ये आँख होगी, मैं इसमें थोड़ी शेडिंग करूंगी। करने के लिए अभी थोड़ा और काम बचा है, मैं इसके ऊपर एक आईब्रो बनाऊंगी, ये बिल्कुल मेकअप इंस्पो जैसा है। मुझे इन लुक्स में से कुछ ट्राई करना चाहिए, मैंने कर लिया। वाओ, तुम शानदार हो। हाँ मैं हूँ, मुझे ध्यान लगाने दो, जैसा मैंने सोचा था, ये उससे मुश्किल है। ओ सेल्फी, बुरा ना लगे तो मैं अपनी आंखें कॉपी करूंगी, ये देखो। वाओ, ये बकवास है, ये काम नहीं करेगी, ये वापस ड्राइंग बोर्ड में जाती है। हाँ मुझे पता है, मुझे यही चाहिए था, मेरी सीक्रेट कैंडी सप्लाई। इन्हें देख कर मुझे भूख लग रही है, पर मुझे एक सही स्नैक चाहिए। ओ, जरा रुको, इसे देखो, एक स्वादिष्ट स्क्वीशी आई बॉल, मुझे दो। क्या तुमने वो पॉप सुना?
मैं इसे फेंकने वाली हूँ। क्या ये स्वादिष्ट है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है मैं पास हो जाऊंगी। वाओ, टेप का एक रोल, ये यहाँ क्या कर रहा है। मुझे लगता है मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो करें, मैं टेप की मदद से इसे ड्रॉ करूंगी। ये मुझे एक परफेक्ट सर्कल देगा। मैं पूरे पेज पर इसे अच्छे से ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं इनके अंदर सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी। अब समय है कलर करने का। मुझे बस सेमी सर्कल्स को फिल करना है। तुम्हें पता है मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। मुझे एक आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। अब फिनिशिंग टचेस करते हैं। छोटी डिटेल से बहुत फर्क पड़ता है। मैं आईज में रेड लाइंस बनाऊंगी। ये बहुत डरावना है, बिल्कुल जो मुझे चाहिए था। उसके बाद मैं बैकग्राउंड बनाऊंगी। मैं हर जगह विगली लाइन बनाऊंगी। आईज के पास ध्यान से करूंगी। मैं इन्हें खराब नहीं करना चाहती। वाओ, मुझे पसंद आया, ये बहुत बढ़िया है। तुम्हें कैसा लगा? ये शानदार है ना? ये ठीक है, मुझे लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, शानदार काम, पर इस बार बेटी जीत गई। सच में? ओह शुक्रिया। ये एग्स देखकर मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब मैंने ये अच्छे से बनाए हैं। हे जैस्मिन, जरा ये देखो। लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। देखते हैं। और मैं चुनूंगी इनको। ओ, ये तो असली भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आया, सिर्फ ये वाले असली हैं। थोड़ा ज्यादा पका हुआ, मेरे फेवरेट। ये बढ़िया लग रहे हैं ना? रुको, क्या? हाँ, मैं जानती हूँ अच्छे हैं। स्वादिष्ट। पर लिली, ये दोनों बहुत कंफ्यूज्ड हैं। एक चैलेंज से इनकी मदद होगी। ये क्या हो रहा है? मेरे पास आओ गर्ल्स। हाँ, ये कैसी जगह है? कपड़े अच्छे हैं। तो अब क्या? तुम दोनों में एक चैलेंज होना चाहिए। ओह, ये चौक कितना बुरा चल रहा है, मैं इसे काबू नहीं कर पा रही। ओह, कितनी बेकार आवाज है, इसे रोको। सारी लाइंस कितनी थिक हैं, मैं नहीं सह सकती। प्लीज। लो, मैंने बहुत सह लिया। हे, ये क्या हो रहा है? मेरा चौक। ओह, अब ये सिर्फ डस्ट बन गया है। ओह, ये तो बहुत कूल है। वाह, मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। चौक क्यों इस्तेमाल करना जब हम उंगली से शेड कर सकते हैं? मैं इस तरह से ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। और एजेस कितने स्मूथ है। पता चला कि मैं क्या बना रही हूँ? कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं एक चौक स्टिक के बिना नहीं कर पाती। अब डस्ट रीफिल कर देते हैं। कुछ ऐसे स्पॉट्स पर और ज्यादा लगाएं, इससे ये उभर कर दिखेगा। अब कुछ बनना शुरू हुआ है। और दूसरी साइड पर भी व्हाइट आउट बढ़िया काम करेगा। ओह, ये अभी से कितना प्यारा लग रहा है। अब कुछ मजेदार डिटेल्स। बो टाई अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ ये कितना प्यारा लग रहा है। अब बस थोड़ा सा टेक्सचर बनाना है। ये असली फर जैसा लग रहा है ना? और आपको इसे गले लगाने का मन कर रहा है ना? बस होने ही वाला है। और ये आखिरी चीज, इसकी प्यारी सी मुस्कुराहट। हम आईबॉल्स तो भूल ही गए थे। देखा, अब इसमें कैसे जान आ गई। पता नहीं वो किसे देख रहा है। ये कितना प्यारा है ना? मेरा सीक्रेट वेपन। जी हाँ, हो गया। तो तुम्हें कैसा लगा? वाह, मैं जानती हूँ अच्छा है। मैं क्या बनाऊँ? मेरी लिपस्टिक, क्या ये काम करेगी? इससे मुझे एक बढ़िया आइडिया आया। ये काम आ सकती है जब तक मेरे पास काफी लिपस्टिक हो। अब एक और लेयर की बारी, मुझे दोबारा लगाना चाहिए क्या? ज्यादा लेयर्स होंगी तो अच्छा रहेगा, इससे डायनामिक लुक आता है। हाँ, अब डिटेल्स की बारी। ओ, जरा इसका प्यारा सा हाथ तो देखो। ऐसा ही एक और बनाएंगे। चेहरे से ये बनना शुरू हो गई है। इसके ग्लासेस बना देते हैं। मैं इसे क्या पहनाऊँ? एक सुंदर सी ड्रेस, मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। कमाल है ना, बस थोड़े से शेप्स बनाते ही पूरी ड्राइंग दिखने लगती है। रेड कलर अच्छे से करेंगे, ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम है। टडा, कूल है ना? आओ, तो हो गया, दोनों ही शानदार हैं।
बहुत अच्छा किया लेडीज। हे, क्या हुआ? मैं ऐसे ही करती हूँ। लॉलीपॉप से बेहतर और क्या होगा? हाँ बिल्कुल। आ, मुझे भी एक चाहिए। जरा देखो वो कैसे चाट चाट कर खा रही है। मेरे मुंह में पानी आ गया है। बहुत हुआ, वो यम्मी शुगर स्टिक मुझे दो। ये मेरी है, सारी मेरी है। स्ट्रॉबेरी, पर इसका स्वाद लेमन जैसा है। एकदम लाजवाब। माफ करना गर्ल्स। क्या हुआ? मेरे मुंह में अभी बहुत बुरा स्वाद है, बहुत गंदा है। एक मिनट रुको। हे, जरा ये देखो। पहले स्टेंसिल के ऊपर स्टैम्प करें। मैं दो अलग अलग कलर्स कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हो गया। हाँ, मैं इसे ज्यादा बेहतर बना सकती हूँ, जरा देखो। ठीक है, अब मार्कर्स की बारी। इससे शेप बढ़िया आएगी। ये लूप्स बनाने में थोड़ा समय लगेगा, पर ये वर्थ इट है। और ऊपर हम छोटे से कान बनाएंगे जो फिन से मैच हो जाए। पता चला कि ये क्या है? थोड़ी और डिटेल्स बनाते ही सब साफ हो जाएगा। ये पेरिविंकल ब्लू बढ़िया है। और अब दूसरी साइड पर भी डीप पर्पल लेंगे। ये सारे कलर साथ में सुंदर लगेंगे। इससे इसमें डेप्थ ऐड होगी। इसमें काफी समय लग रहा है, पर आखिर में बढ़िया रहेगा। अगले पार्ट के लिए हमें मोटा ब्रश चाहिए। देखा ये कैसे बन रहा है और कितने सुंदर ह्यूज है। सीवीड से पूरा सीन बन जाएगा जैसे ये अंडर वाटर हो। आइए मजेदार बबल्स। हे, देखो मैंने क्या बनाया, तुम्हें पसंद आया? वो इसका मतलब आया। मेरी पिक्चर बहुत प्लेन लग रही है। क्या बकवास ब्रश है, शायद बड़े वाला ज्यादा अच्छा काम करे। पर पहले इसे तैयार करना होगा। रेनबो पैटर्न्स हमेशा बढ़िया बनते हैं और इस टेक्निक से ये और सुंदर दिखेगा। देखा मैंने क्या कहा था, ऐसे हम एक पिक्चर में जान डाल सकते हैं। देखा मैंने क्या कहा था। वाह, टॉप नॉच, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे, अब मैं तुमसे ले लेती हूँ। हे, ओ हे, इतना हंसने की क्या बात है गर्ल्स? बहुत बड़ा है, मुझे मतलबी लड़कियां पसंद नहीं है। दोनों को सजा देनी होगी। अब उंगली मत करना। हे, मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही। आउच, ये फंस गया। बिल्कुल, मेरा काम अब पूरा हुआ। पर हमारे हाथों का क्या? क्या हमें ऐसे ड्रॉ करना है? पर कैसे? लिली, मुझे भी नहीं पता। पर रुको, ये देखो, बस कुछ शेप से खेलते हैं। पता है ये क्या बनेगा? ये बहुत बढ़िया बनेगा। अब ये फ्री है। मेरे पास थोड़ा काम है, बस यहाँ पर कुछ ऐसा बनाएंगे। अब बस इसके साथ साथ बनाते जाएंगे। तुम समझ गए, ये आँख बनाने की जगह है। अब यहाँ कुछ बन रहा है। अब इसके नाक के बारे, ये बहुत प्यारा है ना? अगर आपको लगा कि ये एक सील है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। ये भौंक रहा है। अब थोड़ा कलर करेंगे। जीप पर पिंक कलर, बिल्कुल ये सील के लिए जरूरी है। खैर बस हो ही गया। तुम्हें पसंद आया? जरा देखो। क्या? मैं इसका मुकाबला कर सकती हूँ। मैं अपना हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये पूरी अलग ही शेप आएगी। ट्रेसिंग पूरी हुई। वाह, ये तो सच में काम किया। मैं समझ गई, आपको बस कभी कभी अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए। अब एक जैसे दोनों शेप्स को साथ में जोड़ देंगे। आंखें यहाँ बनेंगी। ये प्यारा सा लग रहा है। ओ, जरा इसके स्माइल तो देखो। और अब इसकी बॉडी की बारी।
ये बढ़िया लग रहा है, पर अभी हमें इसे कलर करने की जरूरत है। कितना सैटिस्फाइंग है, लंबी लंबी इंक स्ट्रोक्स। कलर काफी बढ़िया और सैचुरेटेड है, एक ही कलर से करना आसान हो जाता है। अब इसके पैरों की बारी। हो गया, ये बहुत बढ़िया जैस्मिन। दोनों ही शानदार हैं। बहुत अच्छा किया, तो इसका मतलब है ये मेरा हुआ। हो लो, अब क्या? वो हाँ ये कूल है, मैं जानती हूँ। अरे वाह, ये तो कौन जीता? बहुत अच्छा सवाल है। हे यहाँ, तो हम वो करें? हाँ ठीक है, अब टडा, ये तुम हो रिच मोल के साथ, हमने साथ में बनाया। ये मैं क्या देख रही हूँ? ओह लेडीज, मैं तो ये पास से देखना चाहती थी, इससे अच्छी पेंटिंग मैंने कभी नहीं देखी। स्कूल बहुत बोरिंग है, मैं यहाँ से निकलने का इंतजार नहीं कर सकती। यही मौका है, चलो इन पर कलर लगा दें। तुम ये क्या कर रहे हो? पेंट ब्रश रख दो, आज भी कमाई का दिन है। ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझ पर लग गया। ओ, शांत रहो, बहुत हुआ, अब तो तुम गए। ये लो, इसने किया, इसने किया। मुझे अब सफाई करनी होगी। ये देखो, तुम बिल्कुल नर्ड हो। हे, ध्यान दो, ये रहा तुम्हारा पहला चैलेंज। लगता है ये आसान है, पर कौन सा, राइट या लेफ्ट? तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं योगा करता हूँ, आपको भी ट्राई करना चाहिए। मेरा पेंट ब्रश कहाँ है? ये रहा। हाँ तो शुरू करते हैं, पहले येलो कलर करेंगे, बहुत बढ़िया बनेगा। इतनी क्रिएटिविटी के बाद मुझे भूख लग गई है। शुक्र है मेरे पास ये चिप्स हैं। टेस्टी, शायद अभी तक का मेरा सबसे अच्छा काम होगा, और ये मास्टरपीस होगा। ओप्स, मुझ पर क्रम्स लग गए, अब ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बढ़िया चल रहा है, लगता है हो गया। देखो थोड़ा ब्रश वर्क स्लॉपी है, पर चल जाएगा। ये कोई मजाक चल रहा है? ठीक है, ये देखो। आओ, मैं इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। बदबू आ रही है, मैं अपने पैर का प्रिंट बनाती हूँ, अब इसके आसपास पेंट करेंगे, अब पैर पर, और फिर व्हाइट पेंट करेंगे। ये अच्छा है, अब इस पर ब्लैक पेन चलाएंगे और इसे आउटलाइन देंगे। एक नाक बनाएंगे और अब इसकी आंख, इसके आईलैशेस तो देखो, मुझे जलन हो रही है। कितना सुंदर हॉर्स है, पर ये और जादुई हो सकता है, मैं इसे यूनिकॉर्न में बदल दूंगी। लगता है हो गया, तुम्हें कैसा लगा? बढ़िया है ना? हाँ हाँ मान लो। प्लीज, ये आर्ट है, वो तो मैं देख लूंगी, मुझे हमेशा से यूनिकॉर्न ज्यादा पसंद है। मैं जीत गई। क्या सच में? अच्छा है, मुझे शेफ होना चाहिए था। ये बस एक सैंडविच है, इस पर सीजनिंग भी डालते हैं, ये हुई ना बात। चलो एक और चैलेंज शुरू करें, ये थोड़ा चिपचिपा होगा। अपनी ग्लू उठा लो। वो ऐसा कैसे कर सकती है? पता नहीं, ये एडिटिंग का कमाल है। जो भी हो, मेरे पास एक आइडिया है, ये मेरे मेकअप से इंस्पायर्ड है। तो चलो इस ड्रॉइंग पर पहले ग्लू डालते हैं, पूरी ड्रेस और बालों पर, इतनी काफी है। अब मुझे ग्लिटर चाहिए, ये ब्लू कितना ब्राइट है। अब पिंक की बारी, मैं हमेशा से अपने बाल पिंक करना चाहती थी। ड्रेस के टॉप के लिए डार्क ब्लू इस्तेमाल करेंगे, अब फालतू का ग्लिटर हटा देंगे। जरा देखो, ओह कितना प्यारा है। हाँ, ये क्या कर रहे हो? तो मुझे शुरू करना चाहिए, मैं जानता हूँ क्या करना है। पहले ग्लू से एक सर्कल बनाएंगे और इस पर अपना सैंडविच चिपका देंगे। हे, ये देखो, ऐसा होना ही था। ब्रावो, बहुत अच्छा काम किया। जो भी हो, जरा रुको,
मैं सॉल्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोशिश कर देखते हैं। आराम से, ये अच्छा दिखना चाहिए। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। अब इस पर सॉल्ट छिड़केंगे, ग्लू को इससे कवर कर देंगे। जरा भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। अब फालतू सॉल्ट को हटा देंगे, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। इस पर पेंट लगाते हैं, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। इससे काफी अलग दिखेगा और उभर कर आएगा। वाह, कमाल है, लगता है ये पूरा हुआ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए, मैंने बहुत मेहनत की है। चलो भी, ये जीतना चाहिए। माफ करना, मुझे लगा ये कमरा थोड़ा गंदा है। हाँ, बुरा नहीं है। हेलो, मुझे पसंद आया लियाम, तुम जीत गए। ओह यस, ये हुई ना बात। हमने गम बहुत खा ली, पर मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता। इससे थोड़ी मस्ती हो जाए तो चलो। हे, क्या कर रहे हो? ऊप्स, दोबारा मत करना। उनकी गलती थी, मुझ पर नाम मत लगाओ। ये मैंने नहीं किया। ये ठीक नहीं हुआ। क्या वो अभी भी देख रही है? तुम्हें इस बार पक्का डिटेंशन मिलेगी। अब बदला लेने का समय है। मैं कैक्टस यहाँ रख देती हूँ और अब इंतजार करते हैं। चलो भी, बहुत फनी था। आउच, मेरा बट। ये क्या था और ये यहाँ कैसे आया? तुम में बचपना है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। वो एक ईज़ो। मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं जानता हूँ क्या करना है। कैनवस पर थोड़ा पेंट डालेंगे, रैंडम डॉट्स बनाएंगे, अब येलो कलर करेंगे, इसे कैनवस पर फैला देंगे। थोड़े और कलर्स चाहिए, लगता है इतना काफी है। अब इस पर मैं रूलर चलाऊंगा। पेंट को इस तरह नीचे की तरफ लाना है, कलर्स फैल के मिक्स हो जाएंगे इस तरह। अब मुझे एक ब्लैक पेन चाहिए, पेंट पर इस तरह लाइंस बनाएंगे। अब छोटी छोटी स्पाइक्स, ये बिल्कुल कैक्टस जैसा दिखना चाहिए। कितना सिंपल है पर मजेदार। हाँ, मुझे पास से देखने दो। ये नेचर से इंस्पायर होकर बनाया है। हाँ, अब मेरी बारी, ये मुझे दो। मैं क्या करूँ? चलो भी, सोचो। जरा रुको, समझ गई। कैनवस पर व्हाइट स्क्वायर पेंट करेंगे। अब इस पर चेन रख देंगे। अब इसे स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स बनाएंगे। अब हमें इसे कलर करना होगा। यहाँ रेड पेंट डालेंगे। मैं अलग अलग कलर्स डाल रही हूँ। कोने से बिल्कुल पास रखना है और ऐसे ही पूरे पर करते जाएंगे। अब मुझे मेटल रिंग चाहिए। चेन को इस तरह खींचेंगे। अब पेंट को बीच की तरफ लेकर आएंगे। ये पेंट मिक्स होता जाएगा और एक रैंडम पैटर्न बनेगा, पर ये बहुत अच्छा दिखेगा। वाह, मुझे पसंद आया। मैं इसे दीवार पर टांगूंगी। मुझे देखने दो। वो कमाल है, चुनना मुश्किल है, पर इस बार टीचर जीतती हैं। वो सच में, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, सच में अच्छा है। जरा रुको, मुझ में कैक्टस स्पाइक्स फंस गई है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। पता नहीं ये किसने किया। मैं समझ गया हूँ ये किसकी हरकत है। मैं आपको देख रहा हूँ। ये मार्शमेलोज देखो, मुझे ऐसा ही स्नैक पसंद है। सच में अच्छा लग रहा है, मुझे जलन हो रही है। हे, अपना खुद लेकर आओ। नहीं, दूर रहो। आप बहुत बुरी हैं, ये गलत बात है। हाँ, ओह शुक्रिया, पर मैं इनका क्या करूं? मैं समझ गया, ये बहुत जबरदस्त होगा। मैंने एक सुपर स्ट्रॉ बनाया, बनाते हुए प्यास लग गई, तो मुझे ट्रीट मिलनी चाहिए। काफी बढ़िया। इसमें और सोडा था, और ये स्ट्रॉ कहाँ से आया? ओह, तो ऐसी बात है। चलो हीट बढ़ाएं। उम्मीद है लियाम को तीखा पसंद हो। ये ठीक नहीं है, क्या यहाँ गर्मी हो गई है? एक सेकंड रुको, ऐसे ही रहो लियाम। टोस्टेड मार्शमेलोस, इससे बेहतर और क्या होगा? एकदम सॉफ्ट, स्वीट और गोई। वाओ, ये भारी है। और यही है अगला चैलेंज। बस ये पानी का ग्लास हो, मैं खोलती हूँ। वाह, बलून्स, कितने सुंदर है। मैं ये मार्शमेलो इस्तेमाल कर सकती हूँ।
इसे बोल में डालेंगे और इसमें फूड कलरिंग डालेंगे। ग्रीन वाला डालते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे। टेस्टी लग रहा है। ऐसे ही अलग अलग कलर्स के साथ करेंगे। येलो बोल में पेंट ब्रश डालेंगे और पेपर पर आराम से डैब करेंगे। अब ग्रीन कलर लेते हैं और इसे पेपर पर लगाते हैं। ऐसे आंसुओं की शेप बनाएंगे। अब हमें एक पेन चाहिए। मार्शमेलो से लाइंस खींचेंगे और नीचे की तरफ इन्हें जोड़ देंगे। ये बिल्कुल बलून्स लग रहे हैं और खाने लायक भी। मेरे मुंह में पानी आ गया। वाह, बहुत कूल है। मैं इसे कैसे हराऊंगा? मुझे और स्ट्रॉज नहीं चाहिए। वो रुको, शायद मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। येलो वाला मुझे दो। एक कोने को कलर्ड वाटर में डुबोते हैं और पेपर पर फूक मारेंगे। बबल्स बनाएंगे और उन्हें फटने देंगे। ये बहुत मजेदार है। इसे पूरे पेपर पर करेंगे। अब मुझे एक पेन चाहिए। इससे बलून के नीचे का हिस्सा और स्प्रिंग बनाएंगे, वो भी हर एक पर। ऐसा लग रहा है ये उड़ने वाले हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना? शुक्र है मैंने ये सोचा। ये वाला तो मैं ही जीतूंगा। कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, वो तो हम देख लेंगे। मैं किसे चुनूं? लगता है ये लियम जीत गया। मैं जीत गया, मतलब मैं जानता था। हाँ, एक बर्ड बनानी है। ये तुम्हारा पहला आर्ट चैलेंज है। जरा सोचने दो। ये स्कार्फ, ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? निकलो यहाँ से, सिली बर्ड। कम से कम इससे मुझे कोई मदद तो मिली। वैसे मेरे पास एक चीज है जो इसे और अच्छा करेगा। ये इसके अंदर कैसे आया? जो भी है, जैसा मैं कह रही थी। हाँ, क्या ये कोई मजाक है? ठीक है, आखिरकार मेरा सामान। ओह बढ़िया, एक और बोरिंग बुक। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। गॉगल्स, इनमें से कोई भी सामान काम का नहीं है। ये सब मैथ्स क्या है? जैसे मुझे इनमें से कुछ पता भी हो। और दूसरी बात, मैं अपनी मदद के लिए नंबर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे उसकी बॉडी बनाने के लिए कुछ मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। और सर पर भी। ये बर्ड जैसी लग रही है ना? जब तक इस पर कलर नहीं हो जाता इंतजार करो। क्या तुम ठीक हो मेरी लिटिल चिकिटी? मैं तुम्हें बहुत सुंदर फीडर्स दूंगी, रेनबो के सभी रंगों के साथ। ये खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या आप इसमें नंबर्स देख सकते हैं? बढ़िया। और तुम? मैं कुछ बेकार मौसम में फंस गई हूँ। मैंने अभी तक यही बनाया है। ओह, तुम ये राउंड जीती हो एनी। ओह ये मेरे लिए, शुक्रिया। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। काश मुझे पता होता कि ये होने वाला है। ओह, दूसरा चैलेंज है हमारे पास। मैं दिन भर काफी एप्पल्स देखती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे शुरू करना है। और ये बन गया परफेक्ट सर्कल। लेकिन मैं स्टेम कहाँ बनाऊँ? पूरे पेज पर तो सर्कल बन गया। दूसरा वाला लेती हूँ। मुझे कहीं से मदद की जरूरत है। रुको, मुझे एक बढ़िया एप्पल दिख गया। उनका ध्यान कहीं और लग रहा है। मैं जा रही हूँ। मिशन एप्पल इम्पॉसिबल, पूरे इफेक्ट्स के साथ। मेरे पास हथियार है और मैं तैयार हूँ। बस बहुत ध्यान से इसको काटना होगा। हाँ, एनी क्या कर रही है? क्या कर रही हो? बैठ जाओ। माफ करना। ओ यार, मैं बस करने वाली थी। शायद जितना मुझे आता है वही ड्रॉ करना होगा। जैसे कि वर्ड एप्पल, ये आसान है। PPLE। एक मिनट, अगर मैं इस वर्ड को 5 से डिवाइड करूं या एक एप्पल से, तो मैं काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलो 5 को थोड़ा बड़ा बनाएं। कौन जानता था कि एक नंबर से पूरा एप्पल बन जाएगा? आप जान भी नहीं पाओगे कि एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, खासकर तब जब उसमें तुम कलर कर लोगे। बिल्कुल सही ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा बन जाएगा। उप्स, स्टेम मत भूलना।
थोड़ी सी शैडो बना दो और थोड़ी और डिटेल्स और एकदम खाने लायक बन गया। क्या आप सहमत नहीं है? तेरा मैंने कर दिया। मैंने भी। कितना असली लग रहा है और कितना फ्लैट। खैर इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ब्रावो एनी, मैं जीत गई। हाँ काश मेरे पास असली एप्पल होता। मेरे पास भी। किसी ने ये पहले से खाया हुआ है। अच्छी बात है मेरा फ्रेश है। ओ, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा कितना हैंडसम है। वैसे तुम ये क्यों नहीं बनाती? अभी ओ, ये शुरू हो गया। मैं डॉगी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। सिर्फ सिर बॉडी और चार टांगे बनानी है। लेकिन ये थोड़ा डल लग रहा है ना? जरा मुझे दोबारा ट्राई करने दो। मेरे ख्याल से बड़ा बनाना बेहतर होगा। अभी भी बुरा है। हाँ, नहीं अभी भी बेकार है। हे व्हाट, शांत हो जाओ। हे मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपना हाथ का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि एक बार मैंने आउटलाइन बना ली तो डिटेल्स बनानी आसान होगी। विश्वास करो ये बहुत अच्छा बनेगा। देखा अब सिर्फ कलर करना बचा है और ये अच्छा बच्चा चॉकलेट ब्राउन वाइब्स दे रहा है। पिंक टंग मत भूलना, डॉगी का ट्रेडमार्क। टाडा! देखा तुमने, काफी अच्छे से बनाया है। और तुम्हारा हेनी क्या? कुछ नहीं बनाया। इसका मतलब आप जीत गई मिस एमा। ये स्वादिष्ट लग रहा है। शुक्रिया। चॉकलेट डॉगीज, मैं इससे शुरू करूंगी। अच्छा दिख रहा है। कितना क्रीमी है। ये सही नहीं है। शांत हो जाओ बच्ची, एक ले लो। ओह सच में शुक्रिया। चलो व्हील को घुमाएं। मैं इसे घुमाऊंगी। मैं गेस्ट हूँ। ये मेरा आइडिया है। छोड़ दो नहीं तो बस भी करो तुम इसे तोड़ दोगी। जरा इसे देखो तो हम एक रोड बनाएंगे। ये क्या है? लेडीज, दो खूबसूरत फूलों के लिए मेरे पास एक सुंदर फूल है। अजीब है, मुझे तुम खूबसूरत लगती हो। मुझे भी तुम पसंद हो। चलो चैलेंज शुरू करें। आखिरकार हे भगवान क्या कर रहे हो? मेरा इस पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा आर्ट बना रही हूँ। मैं तो ये हमेशा करता हूँ। कितनी प्यारी मूछें हैं। सच में? हे, यूहू, याद है ना ये कॉन्टेस्ट है? ओ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ये रोज तो नहीं लगता लेकिन मैं जानती हूँ क्या करना है। इसके बीच में ट्रायंगल्स बनाएंगे। ये पेटल्स की तरह दिखेंगे। अब बाकी का रोज बनाएंगे। ये अच्छा लग रहा है। अब लीव्स बनाएंगे और स्टेम भी। हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बढ़िया, ये रहा मेरा। ये भी अच्छा है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। तुम जीत गई। हाँ मैं जानती थी। प्राइस क्या है तुम? मैं इसे संभाल कर रखूंगी। खुशबू बहुत अच्छी है। मैं जानती थी वो यही चुनेगा। तुम जल रही हो। अगला क्या है? इतनी जल्दी नहीं, मैं भी घुमाऊंगी। ये कहाँ रुकेगा? ओह एक बर्ड, कितना प्यारा है। चलो शुरू करते हैं। हाँ हाँ मैं पेंट इतना अच्छा नहीं करती पर मैं ट्राई करूंगी। तुम्हें नेचर इमेजिन करना होगा। ये एक सीक्रेट है। रेड सही रहेगा। ओह नहीं ये तो खराब हो गया और खराब होता जा रहा है। मेरा हाथ देखो, एक ही चीज हो सकती है। सैबोटाज। नहीं ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम पेपर ना हटाती तो क्या हो जाता? ये देखो। और ये मेरी गलती है? नहीं
जरा रुको, तुम्हारी इस हरकत से मुझे एक आइडिया आया, ये जरूर काम करेगा। ब्लैक पेंट यहाँ लगाएंगे और एक बीक बनाएंगे और इसके लेग्स। अब ये बर्ड लग रहा है, लो ये प्यारा सा बर्ड है तुम्हारी मदद से। ये तो चीटिंग है पर मुझे पसंद आया, मेरा इतना भी अच्छा नहीं है, जरा इधर दिखाओ। तुम इतना कहती हो तो ये रहा विजेता। हाँ, ओह हेलो लिटिल गाय, ऐसा लग रहा है मैं कोई कार्टून प्रिंसेस हूँ। वाह, ओह मैं इन्हें छू लूं? शुभ, हटो, खुद के बर्ड्स लेकर आओ। तुम अपने आप को क्या समझती हो? अगला राउंड आ गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो शांत हो जाओ, ठीक है पर मैं आपको बहुत सीरियस लेती हूँ। चलो इसे घुमाएं, तुम्हें लगता है तुम लकी हो? ओह दिलचस्प है, प्लीज मुझे लगा ये कोई चैलेंज होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं? अब क्या हो गया? चलो शुरू करें, देखते हैं लूना क्या कर रही है। चीटिंग मत करो, दोबारा यहाँ पर धूल है, देखो लगी रहो धूल। बिल्कुल, पहले मैं एक वाई बनाऊंगी और अब उंगलियां, एक और उंगली और बाकी का हाथ और एक हाथ, हो गया। बढ़िया है ना, तुम्हें कैसा लगा? एक ही है और ये रहा मेरा। ये राउंड शायद मैं ही जीती हूँ, हाँ जीतना चाहिए था। हो, इसका प्राइस था लूना, ये लो। कितना रोमांटिक है, पर मैं कितनी अकेली हूँ। इस बार भी मैं घुमाऊंगी, रुको क्या? हाँ ठीक है, ढंग से करना। एक डॉग, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम मुझे भी यही करना है। मैं समझ गई, ठीक है एक डॉग, वहाँ से शुरू करूँ? मुझे जानवर पसंद है, पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगी और अब क्या करूँ? वो क्या कर रही है, ये डॉग कहाँ से है? समझ गए, मैं छोटे सर्कल्स बनाऊंगी, इतने काफी है। और अब सेमी सर्कल्स, एक नोज और आईज बनाएंगे, थोड़ी डिटेल्स बना देते हैं। और इसकी पूंछ, लो कितना प्यारा डॉगी है, यह पॉसम। समझे, तुमने कैसे किया, तुम बहुत तेज हो। अपनी ड्राइंग दिखाओ, खैर आर्ट अलग अलग तरीके का होता है ना, याद है? ऐसे देखोगे तो ये डॉग ही लगता है। मुश्किल है, देखते हैं कौन जीतेगा। वाह तुमने देखा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डॉग मिलेगा, मुझे फ्लॉपी डॉग चाहिए। क्या हुआ? बस यही, ये क्यूट है पर मुझे असली चाहिए था, मैं ले लेती हूँ, तुम रख सकते हो। ठीक है तो हम ड्राइंग के लिए तैयार हैं। रेनबो से वार्म अप करते हैं। एक रेनबो, हाँ कुछ ज्यादा ही वार्म अप है। ओह मैं जानती हूँ, मेरा ये बैग आखिरकार काम आ गया, देखते हैं। हे लिटिल गाय, नहीं गुड बॉय, मैं यही ढूंढ रही थी। जादू के लिए तैयार हो? देखो ये कलर्स एक रेनबो बनाएंगे, कुछ ब्लॉक से शुरू करते हैं। हाँ हो गया, खैर लगभग बढ़िया, चलो इसे काम पर लगाएं। ये कितना सैटिस्फाइंग है ना, आपके पास जो भी हो उससे कुछ ऐसा बनाना बड़ी बात है। लो, थोड़ा गंदा हो गया, अब टेप को हटा देंगे, एकदम साफ और स्मूथ लाइन आ गई।
हेयर, 3 स्मूथ लाइंस। हो गया, मदद के लिए शुक्रिया। कितना इम्प्रेसिव है ना? हाँ ठीक ही है, ले आओ। हेलो, क्या सब मुझे खुद ही करना पड़ेगा? इतना सुंदर है, जाओ। मुझे यहाँ थोड़ी जगह चाहिए। दिलचस्प है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब यहाँ देखो और सीखो। ये कलर्स के साथ कितना सुंदर लगता है ना? देखते हैं अब आगे क्या होगा। देखा, मैं भी कभी कभी काम करती हूँ। जब ये हो जाए तो हमारे पास बचती है रेनबो सैंड। इन वाइब्रेंट ह्यूज को तो देखो, तुमने तो कमाल कर दिया। ओ, अभी ये पूरा नहीं हुआ। ये वो डांसिंग रेनबो गाय है, इसमें जान डाल देते हैं। है? दोनों ही दिलचस्प है, इसीलिए तुम दोनों जीतती हो। ठीक है। क्या ये हमें कोई चैलेंज देंगे भी या नहीं? ओहो, ओह, गैजेट, समझे? एक गैजेट? हाँ? ठीक है, कुछ मत कहो, मैं एक लड़के को जानती हूँ। ओह, आ भी गया। वो कितना प्यारा है ना? पर कुछ चीजें बदलनी है। ये ठीक है, अब चलो काम पर लग जाए। और शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है? हाँ ये लाजवाब है, मैं जानती हूँ। चलो अब ड्रॉ करो लिटिल गाय। पर हर आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, तो ये लो तुम्हारे लिए। तुम एक छोटी सी किटी बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये हमेशा एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा। इसे पहचाना? बस एक मिनट दो, वो बना ही रहा है। इसकी परफेक्ट लाइंस तो देखो। ये क्या चीज है? ये नहीं चलेगा। रोबोट भी भला आर्ट बना सकते हैं? लगता तो है। क्या हो गया? और जरा देखो, और देखो, ये परफेक्ट है। खैर, मैं भी कर सकती हूँ, बस शेप्स ठीक बनानी है। देखते हैं, बस इसे जोड़ना है और हो गया। बस ये प्लास्टिक का पीस लगाएंगे और पिक्चर फोन पर। और बूम, हम इसे फ्रेम कर सकते हैं। इन्वेंटिव है ना? बस दिमाग चलाने की जरूरत होती है। बस होने ही वाला है। ये कितना क्यूट लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। क्या बकवास है। तो कौन जीता? ये तो ऑब्वियस है, नायोमी। अरे वाह, मतलब क्रिएटिव होना ही काम आता है। बकवास रोबोट, अब तुम कचरे में जाओगे, सुना तुमने? नहीं, तुम ही कचरा हो। क्या तुमने मेरे लिए कुछ बनाया? क्या ये कोई मजाक है? टेक्नोलॉजी की वजह से आज मैं हार गई। यहाँ इतना भी काम नहीं है, है ना? हो, मुझे ब्रेक पसंद है, मैं अपनी स्नैक के मजे ले रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या? प्रिंसिपल, वो आ गई। ठीक है, जरा ध्यान दो, मुझे ऐसा परफेक्ट फोन केस चाहिए, समझे? ठीक है, देखो मेरे पास फोन टेम्पलेट है। फोन टेम्पलेट? अरे यार, ये कोई मजाक नहीं है, पर मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। देखते हैं, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। हाँ, ये कैंडी इजी कर सकती है हमेशा की तरह। पहले मैं इसे टेम्पलेट पर लगाना शुरू करूंगा। ध्यान रहे कि ये लाइन में रहे। अब फोन की पूरी शेप को इससे भर देंगे। ये हुई ना बात। खैर, मैं भी ये कर सकती हूँ। ये रही एक रोलिंग पिन, और इससे मैं जीत जाऊंगी। बढ़िया था। हाँ, अब मुझे मेरे पेंट्स चाहिए। अब इस पर ऑरेंज पॉल्का डॉट्स बनाएंगे।
पूरी पूरी लाइन में। और अब अगले कलर की बारी। ये ब्लू कितना ब्राइट है, मुझे बहुत पसंद आया। ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, अब डॉट्स बन चुके हैं। अब हम इसे रोल करेंगे। जरा ये देखो, ये कितने अच्छे से काम किया। हे मिस प्रिंसिपल, मेरा आर्ट पूरा हुआ। ओह अच्छा, तुम्हारा आर्ट वर्क जरा देखने दो। ठीक है ठीक है, तुमने अच्छा किया, बहुत बढ़िया। और तुम कहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल, आपको मेरा काम देख कर बहुत खुशी होगी। ओह नहीं, मैं कितना बुद्धू हूँ, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने सच में कुछ बनाया था, कसम से। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुम विजेता नहीं हो, वो विजेता है। मुझे प्राइज में फोन मिला, कमाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं पॉपेट के इससे खेल भी सकती हूँ। ओह मैं कॉल कर ऑर्डर भी कर सकती हूँ। हाँ, एक लार्ज वाला ले आओ प्लीज, शुक्रिया। ओह इतनी जल्दी आ गया, क्या सर्विस है। हाँ पिज्जा टाइम, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये कितना अच्छा है। और रुको, उसका मूड अभी भी खराब है। हे मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, तुम ये मेरे साथ शेयर करोगे? ओ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे फ्रेम कैसे कर सकती हूँ? हे भगवान, मेरे दांतों पर लिपस्टिक लग गई। अगर मैं इस एंगल से ट्राई करूँ तो? ठीक है, हाँ मैं ड्राइंग पूरी कर सकती हूँ। टडा, लो मैंने प्रिंसिपल की ड्राइंग पूरी कर ली। पोर्ट्रेट ऐसे बनाते हैं, देखा? अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम इसे कलर करके दिखाओ। अगर ऐसा है तो हमें मेकअप की जरूरत है। ये रहा है तुम्हारे लिए। जी हाँ, मेरा मेकअप आ चुका है और अब मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे इसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह हाँ, इससे। मुझे बोल्ड लिप कलर्स बहुत पसंद है, ये आजकल बहुत चलते हैं। ये पिंक कितना सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। अब ब्लू की बारी, ये देखो। अब ये आईलेट्स पर लगाएंगे, इस कलर में कितनी सारी स्पार्कल्स है। थोड़ा ब्लश भी लगाएंगे। मैं इसकी चीक बोन्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ, इसके बालों को भी कलर हाईलाइट करना होगा। पर्पल अच्छा लग रहा है, काश मेरे भी पर्पल बाल होते। और इसके थोड़े फ्रेकल्स भी बना दिए हैं, क्योंकि ये बहुत प्यारे हैं। टडा, मेरा पोर्ट्रेट बन चुका है। मैंने अपना भी पूरा कर लिया। मैम, हम ये आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। अरे तुमने इस पे मेकअप किया है, मैं ये नहीं देखना चाहती। तो तुम्हारा तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। टडा, तुम्हें एक और प्राइज मिला, ये पैलेट। हाँ, मुझे नया नया मेकअप लेना बहुत पसंद है, मैं इसे जल्द से जल्द ट्राई करना चाहूँगी। हाँ एक सेकंड रुको, ये मेकअप नहीं है, ये चॉकलेट है। क्यों? पर मेरी पिक्चर कैसी है? मुझे तो ये बहुत सुंदर लगती है, मुझे इससे प्यार है, चाहे किसी और को हो या न हो। हे भगवान, तुम तो एक क्लाउन लग रहे हो, सच में। क्यों? मैं क्लाउन में बदल गया। जी हाँ, अगला असाइनमेंट आ चुका है, तो ध्यान दो। एक आइसक्रीम कोन। हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने आर्टिस्टिक स्किल्स इस्तेमाल करते हैं। आइसक्रीम और कोन हो गया, अब इसमें जान लाते हैं। लो ये कितना खुश लग रहा है। और अब कलर की बारी, मैं इसे थोड़ा अच्छे से सजाऊंगा। ठीक है, देखते हैं ये वैसे काम करता है या नहीं। ये ब्लू हो गया। और अब पर्पल, आँखों के आसपास करेंगे। और अब आखिर में पिंक, जैसा हमने सोचा था। शानदार, इसे कहते हैं एक मजेदार आइसक्रीम कोन। अब इस कोन की बारी, इसे बोरिंग नहीं होना चाहिए। येलो से इसमें एक बोल्ड कॉन्ट्रास्ट ऐड होगा। ओह इसने ये कैसे किया, कमाल है। इसे इस तरह से करना बेहतर रहा। हाँ बढ़िया है, मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए, देखते हैं। ओह मुझे यही तो चाहिए। Excuse me. Hi. मैं ये ले सकती हूँ प्लीज? मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मुझे इसकी सच में जरूरत है। ये क्या है, क्या कर रही हो? ये मेरी है, छोड़ो, जाओ यहाँ से। योइंक, मुझे माफ कर देना, गलती से हुआ है। हाँ मैं वापस आ गई, काम शुरू करते हैं। सुंदर सी टेप से हम कोन को टिकाएंगे। थोड़ी सी और चाहिए। और थोड़ा यहाँ नीचे, ये देखो, इससे ये बिल्कुल टिकी रहेगी। परफेक्ट। मैम मैं आपको अपना आर्ट दिखाना चाहती हूँ। ओह बन गया, बढ़िया। ओह क्या ये सच में एक आर्ट है? नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। हे दिखाओ तुमने क्या बनाया। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात, एकदम प्यारा सा रंगीन। ये बहुत प्यारा है, ये रहा तुम्हारा प्राइस। अरे वाह, मुझे भूख ही लग रही थी, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओह ये तो बहुत ठंडी है। रुको, ये क्या हुआ? बचाओ, मैं जम गया। हाँ तुम्हें क्या हो गया है? ओह आइसक्रीम सच में बहुत ठंडी थी। ओप्स, ये तो गया। हाउच, ठीक तो हूँ ना। चलो टेडी,
हाँ? ओह, इससे मुझे एक आइडिया आया। अपने हाथ इस्तेमाल करो। बहुत आसान है, मुझे इसके लिए साउंड ट्रैक चाहिए होगा। ये हुई ना बात। मुझे गाना पसंद है। काफी बढ़िया है। ये मूव देखो। ओह हाँ, पॉप एंड लॉक। काफी अच्छी इंस्पिरेशन है। मैं जानता हूँ मैं अपनी ड्राइंग के साथ क्या कर सकता हूँ। पहले हाथ को ट्रेस करूंगा। ये बहुत आसान है। अब डिटेल्स बनाएंगे, सेक्शंस में स्प्लिट कर देंगे और अब बस कलर करना है। लाइंस के अंदर रहना होगा। ये अच्छा लग रहा है पर अब ये पूरा नहीं हुआ। ये स्नेक देखो कितना अच्छा लग रहा है। हे टीना, ये बन गया। ये ठीक नहीं है। हाँ, लियाम ने पूरा भी कर लिया। जरा रुको, ये कोली बालों से मुझे एक आइडिया आया। मैं जानती हूँ क्या ड्रॉ करना है, तो चलो शुरू करें। मैं इस तरह हाथ रखूंगी और एक फ्लॉफी टेल बनाएंगे। अब चेहरा बनाएंगे। ये प्यारा दिखना चाहिए। अब इसके कान और लाते। अब इसे कलर करेंगे। चेहरे के लिए येलो कलर सही रहेगा और कानों को ब्राउन कलर करेंगे। फ्लावर के लिए रेड कलर और ये पूरा हो गया। विजेता तो एक ही होगा। ओह, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे पसंद आए। बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है टेडी? हमने डिसाइड कर लिया, आप दोनों जीत गए। बधाई हो। आ जाओ ग्रानी। वो कहाँ है? यही कहीं होना चाहिए। आहा, एक रोज। ये हुई ना बात। अब मैं शुरू करना चाहूंगी। बस बैग में से कुछ निकाल लूं। ये चलेगा। अच्छा आइडिया है, मैं ये ले लेता हूँ। मेरा पेंट कहाँ चला गया? उन्हें पता भी नहीं चला। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। समझ नहीं आ रहा। मैं अभी आती हूँ। मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ, सोचना होगा। ये देखो, फल और सब्जियाँ काफी ताजी लग रही हैं। मैं ये ले लेती हूँ और ये, इससे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ, ये क्या कर रही है? मुझे ड्रैगन फ्रूट का एक स्लाइस चाहिए। शुक्र है मैं नंजस खुल गई हूँ। ये क्या? बस होने वाला है। आपको मदद चाहिए? हो गया। मैं जानती हूँ ये हो ही जाएगा। अब इसका जूस निकालना होगा। ओह, बढ़िया। वो ठीक कह रही है, सच में अच्छा लग रहा है। मैं भी ट्राई करता हूँ। बहुत टेस्टी है। ओह, ये तो पेपर पर गिर गया। हाँ, इससे मुझे एक आइडिया आया। पेपर पर डॉट्स बनाएंगे इस तरह। ऐसा ही ग्रीन इंक के साथ भी करेंगे। अब अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे जब तक पूरा पेज कवर ना हो जाए। हो गया। अब इस पेज पर टेप लगा देंगे, फालतू का काट देंगे। ये अच्छा दिखना चाहिए। अब इसके ऊपर पेंट करेंगे रोलर ब्रश से। ये एकदम इवन हो जाएगा। अब इसे सूखने देंगे। सेवरी की बारी है। पहले रूट काटेंगे। इतना काफी होगा। कितनी बढ़िया शेप है। इसे ड्रैगन फ्रूट जूस में डिप करेंगे। एकदम अच्छे से सोख कर लेना चाहिए। अब इसे पेज पर प्रेस करेंगे। एक दो बार और करेंगे। शेप अच्छे से बन गई है, बिल्कुल फूल जैसी। अब स्टेम को ग्रीन पेंट करेंगे। अच्छा लग रहा है। क्या बात है? लो सेलोरी खाओ। एओ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप हार नहीं मानने वाली ना। वो ये किसे पसंद है? मैं दोबारा नहीं खाने वाला। आप ये वापस ले लो। बहुत बढ़िया, मेरे दांतों में कुछ फंस गया है। कोई बात नहीं, मैं तैयारी के साथ आता हूँ। ये रही टूथपिक, ये इसे निकाल देगी। अब अच्छा लग रहा है। जरा रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। पेंट को इस तरह टूथपिक से निकालेंगे, इससे नीचे के कलर्स दिखने शुरू होंगे। ब्लैक के सामने कितना वाइब्रेंट लग रहा है। और ये आर्ट बनाने का मजेदार तरीका है। बस हो ही गया। देखो, इसे कहते हैं आर्ट। तुम्हें कैसा लगा टीना? पाओ, पाओ। ओ, हो गया। मुझे तुमसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी लिया। मतलब ग्रानी का तो देखो कितना क्रिएटिव है। ये ग्रानी जीतती है। क्या तुमने सुना? मैंने कर दिखाया।
इसे गैलरी में होना चाहिए। ये रहा आपका अगला चैलेंज। मैं समझ गई। रुको, शायद मैं जानता हूँ क्या करना है। मुझे अपने बैग में से कुछ निकालना होगा। इसे टेबल पर ही पलट देता हूँ। वाह, कितना फालतू सामान है। देख लेते हैं, मैं यही तो ढूंढ रहा हूँ। शुक्र है मैंने ये फेंका नहीं था। मुझे रैपर नहीं चाहिए, मैं ये मजे से खाऊंगा। रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे बैग में भी तो कुछ होगा। मैं इमरजेंसी के लिए हर चीज रखती हूँ। पता नहीं कब काम आ जाए। पास से देखते हैं। रानी, ऐसे करके देखो। ओह थैंक्स डियर। मैं शुरू करता हूँ। रेनबो के हिसाब से गमी लगानी होगी। पर्पल नहीं है। ओह मेरी गम। नहीं, ये नहीं चलेगा। ये बढ़िया है। एओ, बदबू बहुत बुरी है। मैं इसे स्मूथ कर देता हूँ और इसे रेनबो के नीचे लगा देंगे। तो तुम यही कर सकते हो। मैं क्या ढूंढ रही हूँ? हाँ, ये कॉइन्स का बैग। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। मैं रेनबो के हिसाब से अपनी पेंस अरेंज करूंगी। अब इन्हें ब्लू से साथ में जोड़ देंगे। अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे पूरे पेज पर। और इतनी जल्दी ही एक रेनबो बन गया। चलो थोड़ा जल्दी करें। मैंने प्लास्टिक वॉलेट पर एक और रेनबो बनाया है। वॉलेट में एक ब्लैंक पेपर रखें। अब रेनबो को इसके अंदर रखें। जब हम पेपर निकालेंगे तो रेनबो नजर आएगा। कितना बढ़िया है ना? आइडिया बहुत अच्छा है। देखो लियाम। वाह, कमाल कर दिया। ये मेरे गमार्ड से तो काफी बेहतर है। पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ओह मेरा पॉपेट। इससे मुझे अच्छा लगेगा। ओह या फिर मैं जानता हूँ क्या करना है। एक ग्लास में क्रेयॉन रखेंगे। अब इसे मेल्ट करेंगे। ध्यान रखना होगा क्योंकि ये गर्म है। अब इसे पॉपिट में डाल देंगे। सारी रोज को भरेंगे। अब इसे सेट होने देंगे। इसे पीसेस में तोड़ लेंगे। अगर इसे पेज पर इस तरह स्लाइड करें तो रेनबो बन जाएगा। मुझे बहुत पसंद आया। कितना अच्छा है ना? मैं जादू की तरह ये रेनबो ला रही हूँ। वाह, देखो तुम्हें ये दिखा और अब ये नहीं है। मेरे पास रेनबो क्रेयॉन्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे ये डील पक्की चाहिए। थोड़ी रिश्वत दे देता हूँ। ओह गम, ये मेरी तरफ से तोहफा है। ओह वाह, शुक्रिया लियाम, तुम सबसे अच्छे हो। लियाम जीत गया। ये कैसा मजाक है? ये गलत बात है। अगले राउंड के लिए तैयार हो? तो ये रही इंस्पिरेशन, गूगली आईज। चलो बनाओ। ठीक है स्वीटी। आओ, मेरा पेट। मैं अभी आता हूँ। ग्रानी, ये मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं स्वीटी, ग्रानी तुम्हारी मदद करेंगी। आपने इतना सोचा वही बहुत है। ये बेहतर है। गुड लक हनी, ऐसे समय में तो जाना ही पड़ता है। यहाँ और क्या है? ये प्लेट काम आएगी। मुझे कुछ और भी चाहिए। पेंट और एक ब्रश। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। ये येलो पेंट बहुत ब्राइट है। अब बेहतर लग रहा है। ये क्या, मैंने पेंट गिरा दिया। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ सोचना होगा। जरा रुको, शायद मैं टॉयलेट रोल ट्यूब इस्तेमाल कर सकती हूँ। पर मुझे इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। पहले ट्यूब के साथ छोटे कट्स लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह पूरे ट्यूब पर। अब इसे पेंट में डिप करेंगे। इससे पेंट फैल जाएगा। अब इसमें पेपर लगाएंगे और चेहरा बनाएंगे। ये एक फिश है, इसे यहाँ रखते हैं। मैंने क्या खाया था? क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे बेहतर लग रहा है। अब मैं प्लेट इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले इसे ब्लू कलर करेंगे और कोनों पर ग्लू लगाएंगे। अब इस पर कार्ड चिपका देंगे, इसकी ट्रंक और गूगली आईज। कितना प्यारा एलिफेंट है। ऐसा लग रहा है मैं सफारी पर हूँ। हे टीना, जरा ये देखो। मैं वापस आ गया। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? ये मैं ही हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? मैं डर गया था। जरा रुको,
ये कहाँ से आया? मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमने कर लिया टीना। वाओ, एक एलिफेंट। बहुत अच्छा है ग्रैनी। ओ प्यारी सी फिशी। मुझे ग्रैनी का ज्यादा अच्छा लगा। वो हमें उम्मीद है इस चैलेंज से आप खुद का मास्टरपीस बनाने के लिए इंस्पायर हुए होंगे। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।